वर्तमान में अंचलाधिकारी हैं गोविंदपुर के, और जिनके आवास पर फिलहाल ईडी की रेड चल रही है। सिर्फ आवास पर नहीं, उनके कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि ईडी तो सिर्फ उनके हजारीबाग के क्रियाकलापों को लेकर के जांच कर रही है, हम असली चीज़ दिखा रहे हैं कि उन्होंने नगड़ी में रहते हुए और नगड़ी और नामकुम में रहते हुए क्या कुछ खेला किया। इस तहसील कचहरी पुंदाग को जब आप देखेंगे तो आपको ये दो ब्लू रंग के दरवाजे दिखेंगे। आइए दीपक भैया थोड़ा ऊपर आइए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पर ये दो दरवाजे दिखेंगे, देखिए एक में ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है, ये दरवाज़ा फिलहाल खुला हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, शाम में जाम छलकाने के लिए यहाँ पर काम आता है। यहाँ ऊपर में बोर्ड था, इस बोर्ड को हटा दिया गया। आप बोलेंगे कि मैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर एक प्राइवेट अमीन बैठते थे, बसंत बालकिशन। कौन क्या था वो? ये एक प्राइवेट अमीन था जो पूर्व जो अंचलाधिकारी थे या जो रैकेट लैंड स्कैम के जो रैकेटियर थे, उन्होंने यहाँ पर एक रूम उसे दे रखा था और वो एक जमीन ब्रोकर के रूप में काम करता था, जो NIC और जो दस्तावेज फाड़ना, रजिस्टर 2 का पन्ना गायब करना, रैयतों का जो मूल खतियान था उसको फाड़ देना का उसका काम उसका था, और NIC से मिलकर वह रिकॉर्ड में गड़बड़ी करता था। बसंत महतो, उसे एक हुंडई वरना दी गई है और हर एक साल उसे एक विदेश ट्रिप में भेजा जाता है। ये शशि भूषण सिंह के खास आदमी हुआ करते हैं। तो देखिए ईडी को एक बहुत बड़ा पॉइंट हम बता रहे हैं कि बसंत महतो बालकिशन, यही नाम है ना, बालकिशन, एक प्राइवेट अमीन इसी कमरे में बैठते थे, इसी कमरे में बैठ करके वो NIC तक का खेला करते थे, शशि भूषण के खास आदमी। देखिए इधर काम चल रहा है, एक जो है वो बैठे हुए सत्येंद्र बाबू, ये बैठ करके यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सत्येंद्र बाबू, सबसे पहले तो आप क्या हैं यहाँ? राजस्व उप निरीक्षक। राजस्व उप निरीक्षक। बसंत नाम के किसी को जानते हैं? सुने हैं कि यहाँ पहले, मतलब आज से 5-4 साल पहले वो यहाँ काम करते थे। और आपके रहते हुए कभी वो यहाँ आए? एक आध बार काम लेके आए हैं। हमें जो जानकारी कि बगल वाला कमरा में वो बैठते थे, जाके सर देख सकते हैं उन? नहीं, अभी भी देख सकते हैं सर, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। काम कराने लोग तो बहुत आते हैं, किन्हीं को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन काम करने के लिए नहीं आते हैं। आपके कार्यकाल में तो ऐसा, मतलब इन सब चीज़ों पर नहीं? आप देख सकते हैं सर जाके, हाँ सारा दरवाजा खुला है, आपके जाके देख सकते हैं। लेकिन ऐसी जानकारी आपको है कि यहाँ पर कोई कमरा चुका? मैंने देख रहा हूँ ऊपर से, जब हम जब आए, आज से 6 महीना पहले हम आए हैं सर, 5-6 महीना, तो पता चला कि वो यहाँ काम करते थे। हाँ यहाँ काम करते थे, एक दो आदमी रहते थे, काम करते थे, लेकिन हम यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है सर। तो देखिए ये मौजूदा राजस्व उप निरीक्षक साहब हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने तो दलालों की एंट्री बैन कर दी है, लेकिन जी बिल्कुल हम देख रहे हैं। बाकी इन ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आज से कुछ समय पहले तक एक अंचलाधिकारी के कहने पे जो बैठे रहते, देखिए वो अंदर से बता रहे हैं, ऊपर वो बोर्ड था, उन सबको हमने मिटवा दिया, और सही बात है, यहाँ पर देखिए ये सब बोर्ड थे, इन सब इन्होंने मिटवाया। उधर भी एक वो लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, जिसको उन्होंने मिटवा दिया है। दीपक जी, एक बार दीपक जी के पास मैं आ रहा हूँ, दीपक जी इधर आइए। तो अब जो है, अब तो इसको हटा दिया, मतलब इनका कहना है कि अब तो दलालों की एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है, कैसे देखेंगे? ये अभी कुछ तात्कालिक व्यवस्था के तहत भले वो नहीं आ रहे हों, लेकिन ऑनलाइन सारा सिस्टम और खेल जो है वो चल ही रहा है, क्योंकि पुंदाग जो मौजा है हल्का 9 नगड़ी का एक बहुत महत्वपूर्ण मौजा है, और यहीं पे खाता 383 भी है जो काफ़ी विवादित है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि बसंत साहू जो है या बसंत कुमार जो है उनकी एंट्री पर रोक लग गई है, लेकिन वो अभी भी सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता के पीछे कई सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं। तो देखिए तहसील नंबर 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैसा योगी पिंटू थोड़ा सा ये आपको लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, धूप बहुत तेज है, लेकिन ये पीछे आप देखिए सरना स्थान है और इधर में खाता 383 है। ये खाता 383 का सारा जमीन है, यहाँ पर आपको आगे में दिख जाएगा खाता 383 एक वर्जित जमीन है, जिस जमीन पर किसी तरीके का कार्य करना वर्जित है, गलत है। लेकिन आप दूर दूर तक देखिए, आपको खाता 383 में खुद काम करते हुए लोग दिख जाएंगे। और सबसे गजब बात, खाता 383 में अंचलाधिकारी ने ही कब्जा किया हुआ, हमने तस्वीर दिखाई है दीपक जी। ये बहुत सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जब वो अंचलाधिकारी यहाँ पे नगड़ी या रातू में होंगे तो उस समय वो राजस्व हल्का कर्मचारी थे, न कि CO थे।
बाद में वो प्रमोटी सीईओ बने हैं, लेकिन जो काले कारनामे उन्हें उन्होंने किया है वो तो छुपेगी नहीं, सारे दस्तावेज हमारे पास है। सारा दस्तावेज हमारे पास है। तो तस्वीर नंबर दो मैंने आपको दिखाई है, अब हम आपको टीवी 45 लेके चल रहा है तस्वीर नंबर तीन। फिर हम आपको बताएंगे कि एक अधिकारी के चलते 69 उनके समकक्ष अधिकारी वो कैसे प्रमोशन से वर्जित रह गए, वो भी हम आपको बताएंगे। आप टीवी 45 के साथ बने रहें, हम आपको तीसरी तस्वीर की तरफ लेकर चलते हैं। फिलहाल मैं पुंदाग में हूँ और पुंदाग में क्या कर रहा हूँ, पुंदाग में छील के खा रहा हूँ क्या अरहर। क्यों? देखिए, पत्रकारिता के सामान्य प्रोटोटाइप कहते हैं कि बढ़िया कपड़ा पहन के अच्छे से एकदम पोस्चर में आपको पत्रकारिता करनी चाहिए, पर मैं दीवार पर बैठा हुआ हूँ और अरहर खा रहा हूँ। क्यों खा रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। मेरा बाईं तरफ आप देखेंगे, देखिए अरहर के खेत दिखेंगे, अरहर के खेत दिखेंगे, लेकिन इस प्लॉट में जाने का रास्ता नहीं है। इस प्लॉट को लगभग 1.25 एकड़ का ये प्लॉट है, इस प्लॉट को चारों तरफ से घेर दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये प्लॉट है किसका, ये प्लॉट किसका है, ये बताने के लिए मैं इस प्लॉट से थोड़ा नीचे उतरूंगा। इस प्लॉट से शशिभूषण सिंह जो अंचलाधिकारी हैं गोविंदपुर के, उनका ताल्लुक क्या है यह भी मैं बताऊंगा। सहयोगी दीपक मेरे साथ है। दीपक, पुंदाग में है हम फिलहाल, तीसरी तस्वीर है ये। शशिभूषण सिंह पर ईडी का छापा पड़ा है, नोट के बंडल निकले हैं, लेकिन अभी भी असली चीज पर ईडी नहीं नजर नहीं पड़ी है। इस प्लॉट में क्या, इस प्लॉट की डिटेल क्या? ये प्लॉट एक है गोपाल साहू, उनके पूर्वजों का ये प्लॉट है और उनके जो दस्तावेज थे रजिस्टर 2 और जो खतियान में छेड़छाड़ कर शशिभूषण सिंह ने अपने रिश्तेदार परमेश्वर सिंह के नाम से यह प्लॉट ले ली। हालांकि अभी जो सूचना है कि ये केस हार चुके हैं, लेकिन जो पूर्व जमाबंदी थी जो कायम करना है, पूर्व जो रैयत थे मूल रैयत, उनको जमाबंदी जो है कायम नहीं की जा रही है नगरी अंचल से, क्योंकि इसके लिए प्रभाव है शशिभूषण सिंह का। और उसमें जो गवाह के रूप में है एक रंजीत कुमार है ब्रोकर, उसका नाम शामिल है। और ये आप देख सकते हैं कि इस ज़मीन में कोई एंट्री नहीं है, रास्ता नहीं है, क्योंकि उधर आप देखेंगे तो वो प्रणामी बिल्डकॉन का मामला है पूरा, वो उन्होंने खरीद रखी है पूरी ज़मीन और सामने भी फ्लैट बन रहा है। तो इस ज़मीन में एंट्री का सारा रास्ता जो है शशिभूषण सिंह ने बंद करवा दिया है। अच्छा। तो रैयत परेशान है क्योंकि वह ज़मीन अब बिना रास्ते के तो बिकेगी नहीं। तो ये सब तमाम खेला उन्होंने रातू में एक हल्का कर्मचारी रहते हुए किया है। अभी से दीपक जी, इस ज़मीन में रकबा कितना, इतना कितना? 1.08 एकड़ की ज़मीन, खाता है 217 और प्लॉट नंबर 114 अंचल नगड़ी पुंदाग। तो देख लीजिए इस तस्वीर को, ये तीसरी तस्वीर है शशिभूषण, ये शशिभूषण के किसी रिश्तेदार के नाम से है, परमेश्वर सिंह बताया जाता है कि वो उनके चाचा हैं। तो देख लीजिए इस तस्वीर को, बहुत शातिराना तरीके से इस तस्वीर में देख लीजिए कि इसके रास्ते को हर तरफ से ब्लॉक कर लिया गया। अब जब रास्ता हर तरफ से ब्लॉक है तो इस ज़मीन को लेकर के रैयत परेशान है, कोई इस ज़मीन को खरीदना नहीं चाहेगा। जब खरीदना नहीं चाहेगा तो सारा विवाद स्वतः तौर पे अपने आप समाप्त हो जाता है। ये तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई है रांची में शशिभूषण सिंह के प्रॉपर्टी की। लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति भी नहीं, खरबपति एक हल्का कर्मचारी से सीआई से सीओ। अब मैं उसके प्रमोशन की भी कहानी आपको बताता हूँ। दीपक मेरे साथ है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दीपक, शशिभूषण सिंह हल्का कर्मचारी थे रातू में, अपना खेल वेल किए, प्रमोट हुए सीआई बने, सीआई के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी टॉपर हो गए, फिर प्रमोट हुए सीओ बने, सीओ के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी टॉपर या सेकंड टॉपर हुआ। इनका प्रमोशन हो गया लेकिन बाकी 69 का प्रमोशन नहीं हुआ, मतलब क्या कहानी है? इसमें कहानी है कि सीआई से जो सीओ बनने की जो प्रक्रिया थी तो उसके लिए एक रिटर्न एग्ज़ाम लिया था झारखंड स्टेट जेएसएससी ने। तो उस एग्ज़ाम में इन्हें बताया जाता कि एक गुप्त कमरा इन्हें दे दिया कि आप पूरा छापिए किताब, लेकिन उसमें जो हैं दूसरे तीसरे पांचवें से लेके जो टॉपर थे, करीब 10 ऐसे टॉपर जिनको आज तक प्रमोशन नहीं मिला। और 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था झारखंड में, तो उस विधानसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने
पैसे देकर अपना प्रमोशन से संबंधित पोस्टिंग भी करवा लिया और सीईओ बनते ही पहली पोस्टिंग इनकी भरनू ही थी। देखा आपने, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब प्रमोशन की बात आई थी इन्होंने अपने एक आदमी से शायद सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करवाया था, ऐसा कुछ भी था। हाँ, एक केस डाला था क्या कि जो श्रवण कुमार झा जो सेकेंड टॉपर थे उस एग्जाम में, वो अभी भी सीआई हैं और फिलहाल उनकी पोस्टिंग सिमडेगा में हो गई है, इससे पहले वो नामकुम में पोस्टेड थे। तो सेकेंड टॉपर, थर्ड टॉपर, फिफ्थ टॉपर ये लोग आज भी सीआई हैं और उनके जो जूनियर सीआई थे जो सीओ बन गए उनके अंडर में ये काम करने के लिए विवश हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खिलाड़ी है शशिभूषण। आप अंदाजा लगाइए, अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापे के साथ शशिभूषण सिंह पर ईडी छापा पड़ रही है, तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको मैं बताता हूँ, TV 45 ने आज से 4 दिन पहले शशिभूषण जी को कहा था, मंडरो की हम खबर दिखा रहे थे जहाँ अवैध खनन जबरदस्त धड़ल्ले से चल रहा है, हमने शशिभूषण जी को बोला था कि शशिभूषण साहब आप कार्रवाई कीजिए, आप एक्शन लीजिए, लेकिन शशिभूषण जी नहीं माने। शशिभूषण जी नहीं माने, मंडरों के साथ भी इनका संबंध है, मंडरों में जो पत्थर का अवैध खनन करता है उनसे भी इनका संबंध है, इस पर भी ईडी को एक बार संज्ञान लेना चाहिए। आपको अभी और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप TV 45 के साथ आज बने रहिए, चूंकि आज शशिभूषण सिंह की कुंडली हम खोलेंगे, जो ईडी को भी नहीं पता वो सारी चीज़ आज हम आपको बताएंगे। आइए TV 45 के साथ बने रहें।